नमस्कार दोस्तों, सौरभ इलेक्ट्रिशियन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो स्विच, एक सॉकेट, एक होल्डर का कनेक्शन करने वाले हैं। इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन बहुत ही आसान है और आप भी इसे सीख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। यह है सॉकेट, इसमें थ्री टर्मिनल होते हैं, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ का। और यह स्विच, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, दोनों फेज के लिए यूज किया जाता है, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। और यह होल्डर, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक फेज का कनेक्शन किया जाता है और एक न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए हम एक इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। हमें एक वायर का टुकड़ा लेना होगा। इससे पहले ये रेड कलर का वायर का टुकड़ा मैंने ले लिया है। यह न्यूट्रल देख सकते हैं, इसमें एन लिखा हुआ है और यह फेज। तो हम इसमें कनेक्शन करेंगे एल फोर लाइन में। सॉकेट में जिसमें एल लिखा हुआ उसमें लाइन का कनेक्शन किया जाता है। हम इसमें इसका कनेक्शन करेंगे और इसे अच्छी तरह से कस देंगे। और इसके आखिरी छोर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, जिससे सॉकेट जो है वह स्विच से कंट्रोल हो जाएगा। और इसे भी अच्छी तरह से कस देंगे। इसके बाद हम सेम ऐसे ही करेंगे होल्डर में भी। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में एक वायर लगाएंगे और एक होल्डर में। इसमें भी हम रेड कलर का वायर यूज करेंगे फेज के लिए। इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है दोस्तों, देख सकते हैं। एक एक स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है एक वायर को, और एक सॉकेट में और एक होल्डर में। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए फेज का कनेक्शन हो गया, हाफ फेज का। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन सॉकेट में करेंगे और एक होल्डर में। इसके लिए हम ब्लैक वायर का यूज करेंगे न्यूट्रल के लिए। और इसे भी अच्छी तरह से कस देंगे। और इस वायर के आखिरी छोर को हम होल्डर के एक टर्मिनल जो बचा है उसमें कनेक्ट करेंगे। अब हम इस बोर्ड में मैन फेज और मैन न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम ये दोनों स्विचों में हम फेज का कनेक्शन करेंगे और ये जो सॉकेट है उसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन हमेशा जहाँ ब्लैक वायर दिख रहे हैं आपको, आप होल्डर या सॉकेट में कर सकते हैं। ये जो दो वायर है ये हमारा मेन वायर है फेज और न्यूट्रल का, जिसे हम पहले बोर्ड से अंदर करेंगे। इसके बाद हम फेज वायर को दोनों स्विचों में कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हम पहले से छील लेना होगा अच्छी तरह से, दोनों स्विचों में कनेक्शन हो जाए उस तरह।
प्लस की मदद से। ये देखिए, अब हम दोनों स्विचों में इसका कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए, फेज का कनेक्शन हो गया। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल वायर को भी हमें थोड़ा सा छील लेना होगा। उसके बाद हम इसे सॉकेट में इन कर देंगे। देखिए, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है इस बोर्ड का। देखिए, न्यूट्रल मेन जो न्यूट्रल सॉकेट से होते हुए होल्डर में गया, और ये जो फेज मेन है वो हमारे दोनों स्विचों में गया। तो चलिए, हम इस बोर्ड में अब सीधे कर लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर इसमें हम सप्लाई ऑन करेंगे। सप्लाई ऑन कर दिए हैं। अब इसमें हम बल्ब की मदद से चेक करेंगे ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखिए, ये होल्डर सही से वर्क कर रहा है स्विच के द्वारा। अब हम सॉकेट को भी चेक करेंगे इसमें सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमें एक होल्डर बल्ब लेना होगा, फिर इसमें हम सॉकेट में लगाएंगे। उसके बाद हम स्विच को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी वर्क कर रहा सही से। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।